कहाँ से लिखा था? कॉस एक्स समाकलन sec x tan x dx बराबर होता है sec x प्लस c और समाकलन cosec x cot x dx बराबर होता है माइनस का cosec x प्लस c। समाकलन sec x dx का होता है log में sec x प्लस tan x प्लस c। इसी तरह से समाकलन cosec x dx बराबर होता है log cosec x माइनस का cot x प्लस c। कुछ और इसमें अलजेब्रिक फार्मूले होते हैं, जैसे कि समाकलन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर होता है टैन इनवर्स x प्लस सी, और समाकलन 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर जब भी होगा इसका हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस सी। समाकलन माइनस में 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर जब हो जाएगा तो इसका फार्मूला होता है कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, और जब ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में हो जाएगा तो इसका फार्मूला हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। एक और फार्मूला इसमें इस तरह से है कुछ, समाकलन 1 अपॉन एक्स रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स बराबर होता है sec इनवर्स x प्लस सी, जब ये माइनस में हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स, तो ये हो जाएगा किसका फार्मूला cosec इनवर्स x प्लस सी का। अब एक फार्मूला इसमें और कुछ रह गया है कुछ इस तरह से, cot x dx बराबर होता है log साइन एक्स प्लस सी, और कांस्टेंट का अगर समाकलन करना होगा, जैसे कि कांस्टेंट अगर कोई हम सी ले लेते हैं तो सी डी एक्स बराबर अगर लिखना है तो ये हो जाएगा सी एक्स प्लस सी वन, जहां सी वन एक नियतांक है। ये आया, हाँ, तो आपके सामने कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन है समाकलन 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसका जैसे समाकलन करेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले dx का x स्क्वायर 2x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा समाकलन 1 dx प्लस समाकलन 2x dx प्लस समाकलन x स्क्वायर dx। अब क्या करेंगे, फार्मूला होता है समाकलन 1 dx अगर होगा तो हो जाएगा इसका x प्लस सी, समाकलन 2x लिखा हुआ है तो यहाँ पर एक फार्मूला बन जाएगा x की पावर n dx वाला, तो इस x की पावर n dx क्या होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। ध्यान रखेंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो केवल एक बार कांस्टेंट जोड़ेंगे, फार्मूले में अलग अलग होगा बाकी क्वेश्चन में केवल एक बार सी जोड़ा जाएगा। तो 1 dx का क्या हो जाएगा समाकलन 1 dx का x प्लस, अब यहाँ पर क्या है 2x लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे दो को पहले बाहर करेंगे, मतलब कांस्टेंट बाहर कर लेंगे, समाकलन x dx प्लस समाकलन x स्क्वायर dx, अब क्या हो जाएगा x प्लस 2, x का क्या हो जाएगा x के ऊपर पावर 1 लगी हुई है तो इसका क्या हो जाएगा x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन में भी 1 प्लस 1, किस फार्मूले से x की पावर n फार्मूले से, प्लस समाकलन x स्क्वायर dx का क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, अब इसमें एक सी जोड़ेंगे कांस्टेंट, ये हो जाएगा x प्लस 2 x 1 प्लस 1 2 होता है तो अपॉन में भी ये 2 हो जाएगा, प्लस x 2 प्लस 1 3 तो अपॉन 3 प्लस c, अब यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा x प्लस
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 + c। ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ कुछ इसी तरह से, एक्स क्यूब प्लस 3x² + 3x + 1 dx। अब सेम प्रोसेस इसमें भी करेंगे, क्या करेंगे, समाकलन एक्स क्यूब डी एक्स प्लस 3x² लिखा हुआ है तो समाकलन 3x² dx, फिर 3x है तो समाकलन 3x dx + 1 लिखा हुआ है तो समाकलन 1 dx। अब इसको एक बार इसी तरह से लिख लो, एक्स क्यूब डी एक्स प्लस यहाँ पर 3x² लिखा हुआ तो 3 को बाहर, समाकलन x² dx प्लस यहाँ भी 3 बाहर हो जाएगा, समाकलन x dx प्लस समाकलन 1 dx। अब x क्यूब का क्या हो जाएगा, x की पावर n dx से हो जाएगा इसका, x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस 3x की पावर 2 है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 2 + 1 मतलब कि 3 अपॉन 3 प्लस 3x dx मतलब कि 3 तो इसी तरह से रहेगा, और x का हो जाएगा x² / 2 प्लस 1 का हो जाएगा x, और इसमें एक c जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कांस्टेंट c। अब यहाँ से 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, अब ये हो जाएगा x⁴ / 4 प्लस x³ प्लस 3x² / 2 प्लस x प्लस c। अब ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का। हाँ तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या दिया हुआ, समाकलन x + 3 और दूसरे ब्रैकेट में दिया हुआ है x - 4 dx। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका x + 3 और x - 4 का कर लेंगे आपस में मल्टीप्लाई। तो x का x के साथ करेंगे तो यहाँ एक पावर और यहाँ एक पावर, तो पावर जुड़ जाएंगी तो हो जाएगा x²। फिर x का -4 के साथ करेंगे तो माइनस का 4x हो जाएगा। 3 का करेंगे x साथ में तो +3x हो जाएगा। 3 का करेंगे -4 के साथ तो माइनस का हो जाएगा 12। अब x² - 4x + 3x तो -4 से 3x जाएगा, केवल x बचेगा और यहाँ पर माइनस का 12 बचेगा। अब इसका करना है समाकलन, तो समाकलन dx। अब dx को फिर इसके पास और इसके पास और इसके पास लाएंगे तो समाकलन x² dx माइनस समाकलन x dx माइनस 12 है तो बाहर कर लो, समाकलन 1 dx। x² का क्या हो जाएगा, x² + 1 / 2 + 1 माइनस x का क्या हो जाएगा, x 1 + 1 / 1 + 1 माइनस 12, 1 का क्या हो जाएगा, केवल x और प्लस c। इन x² और x में फार्मूला लग जाएगा समाकलन x⁻ dx वाला, क्या होता है x⁻ + 1 / n + 1 + c। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 2 + 1 = 3 होता है, तो x³ / 3 माइनस 1 + 1 = 2 होता है, तो x² / 2 माइनस का 12x + c। ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का। इसी सीरीज में क्वेश्चन नंबर 4, तो क्या लिखा है, 1 - x² / 3 / x² dx। तो इसमें एक सबसे पहले फार्मूला लगा लेंगे, कौन सा फार्मूला हो जाएगा, a माइनस b का होल क्यूब होता है a³ - b³ - 3ab और ब्रैकेट के अंदर a - b। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 1 - x² का क्यूब लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा, a के स्थान पर है a बराबर है यहाँ पर 1 और b बराबर है x², तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1³ - x²³ - 3 × a मतलब 1, b मतलब x², a मतलब 1 और b मतलब x², तो ये क्या हो जाएगा, अब 1³ 1 ही हो जाएगा, x² का क्यूब, तो x² का क्यूब क्या हो जाएगा,
इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, तो पावर मल्टीप्लाई में जुड़ जाती है, तो दो दो चार दो छः, मतलब कि एक्स की पावर सिक्स इसको लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस एक्स की पावर सिक्स माइनस थ्री इंटू वन, थ्री हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो वन माइनस एक्स स्क्वायर लिख लेंगे। अब आगे सॉल्व करेंगे तो वन माइनस एक्स की पावर सिक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर का वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और थ्री एक्स स्क्वायर तो थ्री एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ है तो पावर जुड़ जाएगी तो एक्स पावर फोर आ जाएगा। क्या हो गया यहाँ पर वन वन माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर थ्री बराबर आ जाएगा वन माइनस एक्स की पावर सिक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स की पावर फोर। अब यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर से इसको डिवाइड भी किया गया है तो दोनों तरफ एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर यहाँ भी एक्स स्क्वायर तो ये एक्स स्क्वायर इसके नीचे सभी के नीचे एक एक बार जाएगा तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स पावर सिक्स अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस थ्री एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस का थ्री एक्स पावर फोर और एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब वन अपॉन एक्स स्क्वायर को लिख सकते हो एक्स पावर माइनस टू। जब इस तरह से कुछ लिखा होगा तो इसको जब हम हर को अंश में बदलेंगे तो पावर जो क्या हो जाएगी माइनस की हो जाएगी, तो माइनस अब एक्स की पावर सिक्स और एक्स पावर टू लिखा हुआ है तो जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर घट जाएगी तो एक्स पावर सिक्स माइनस टू माइनस यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ भी एक्स स्क्वायर तो इसको लिख सकते हैं थ्री एक्स की पावर टू माइनस टू और यहाँ हो जाएगा प्लस थ्री एक्स की पावर फोर माइनस टू। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स पावर माइनस टू और सिक्स से टू माइनस होगा तो हो जाएगा यहाँ पर एक्स की पावर फोर माइनस टू ज़ीरो हो जाएगा और एक्स की पावर ज़ीरो मतलब कि वन तो हो जाएगा यहाँ पर थ्री प्लस थ्री एक्स की पावर फोर माइनस टू तो थ्री एक्स की पावर टू। कुछ इसको सही क्रम में लिख लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स की पावर माइनस टू माइनस एक्स की पावर फोर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री। अब ये आ गया किसके बराबर, ये आ गया वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर के बराबर। अब इसका कर लेंगे समाकलन। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड तो हो चुका होगा तो इसको साफ कर देते हैं। अब आगे सॉल्व करते हैं क्या हो जाएगा समाकलन वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको सॉल्व करके किस में ले आए हैं समाकलन एक्स की पावर माइनस टू माइनस एक्स की पावर फोर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री डी एक्स। अब ये हो जाएगा समाकलन एक्स की पावर माइनस टू डी एक्स माइनस समाकलन एक्स की पावर फोर डी एक्स प्लस समाकलन थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस समाकलन थ्री डी एक्स। अब यहाँ पर एक बार इसको इस तरह से लिख लेंगे एक्स पावर माइनस टू डी एक्स माइनस समाकलन प्लस समाकलन, यहाँ पर क्या हो जाएगा थ्री कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा तो समाकलन एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस थ्री कांस्टेंट है ये भी बाहर वन डी एक्स। तो यहाँ पर x की पावर n वाला फार्मूला लग जाएगा मतलब कि समाकलन x की पावर n dx बराबर होता है x की पावर n प्लस वन और n प्लस वन प्लस थ्री। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x की पावर माइनस टू प्लस वन माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन माइनस x की पावर फोर का हो जाएगा x की पावर फोर प्लस वन अपॉन फोर प्लस वन प्लस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू प्लस वन माइनस थ्री और वन का क्या होता है एक्स प्लस सी। माइनस टू से वन जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स पावर माइनस वन, नीचे भी माइनस वन बचेगा माइनस फोर प्लस वन फाइव हो जाएगा तो एक्स पावर फाइव अपॉन फाइव प्लस
थ्री एक्स पावर थ्री अपॉन टू प्लस वन थ्री माइनस थ्री एक्स प्लस सी। अब एक्स पावर माइनस वन को फिर से हर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स माइनस एक्स पावर फाइव अपॉन फाइव, यहाँ पर थ्री से थ्री कट जाएगा तो बचेगा प्लस का एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस सी। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर चार का आंसर।